हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मुझे माय इंडियन सुनील चैनल पर। दोस्तों, जो लोग नए प्रियजन से निवेदन है कि हमारे माय इंडियन सुनील चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन दिया गया होगा दोस्तों, उस पर जाके आप ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। बात करते हैं दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग ई रिक्शा चार्जर लेना चाहते हैं उनको लेना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा दोस्तों, तो उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और काफ़ी अच्छे से बताएंगे दोस्तों, पूरे फुल डिटेल के साथ। दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास 3 ई रिक्शा के चार्जर रखे हुए हैं। हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे, कौन सा बेटर है, कौन से बैटरी को आपको बचाएगा और कौन सा आपको लेना चाहिए। और हमारे पे ये तीसरा जो आया है ये काफ़ी बेहतर, हम इसके बारे में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं पहले नंबर से दोस्तों। तो पहले नंबर पे दोस्तों हमारा ये माइक्रोटेक का ई रिक्शा चार्जर है। देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से है। इसमें ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और एक आउटपुट का ये जो केवल सामने निकली हुई है और पीछे इनपुट का, और पीछे देख सकते हैं ये फ़ैन दिया गया है कूलिंग के लिए। इसकी भी आपको जो गारंटी है आपको एक साल के मिल जाती है। और हमारा दूसरे नंबर पे देख सकते हैं एक्जोम का ई रिक्शा चार्जर। इसमें देख सकते हैं आपको ये आगे जो है विंडो टाइप के जो हवादार जो हवा को ले सके उसके लिए यहाँ पे होल दिए गए हैं बहुत सारे। इसमें भी आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं इसमें भी आपको दिया गया है होल। इसमें एलईडी भी दी गई है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें एलईडी पहले दिया गया है, इसमें कोई स्विच नहीं दिया गया ऑन ऑफ का, ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। इसके दोनों जो वायर हैं आउटपुट के और इनपुट के ये दोनों पीछे ही दिए गए हैं और इसके पीछे एक कूलिंग फैन दिया गया है। और इसमें जो एलईडी है दिखाया गया आपको 30% से लेके 100% तक है। इसमें भी हम बता दें दोस्तों कि आप देख सकते हैं ये 25% से लेके 100% तक यहाँ पे दिया गया है एलईडी, और इसमें एक फॉल्ट वाला भी एलईडी दिया गया है, और जो लाइन आता है मेन जो ऑन होने वाला है यह भी यहाँ पे एलईडी दिया गया है ऊपर। और इसकी भी आपको एक्जोम वाले चार्जर की भी आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है। बात करते हैं ये इस तीसरे नंबर की है जो कि बीनटेक्स नाम दिया गया है इसको। इसको एक लोकल ब्रांड भी आप कह सकते हो अभी, लेकिन इसमें एक खासियत मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इन दोनों से बेटर ये इसमें क्यों है, ये दोनों इन दोनों से बेटर, और इनके तीनों के मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में। तो बात करते हैं इसके बीनटेक्स की दोस्तों। ये जो चार्जर है देख सकते हैं इन दोनों चार्जर से काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा होगा बॉडी में। और ये जो चार्जर हैं दोनों, हमने एक्जोम के भी दिखाए थे और आपको माइक्रोटेक के भी दिखाए थे, ये दोनों मेटल के ही हैं। और जो मेटल के ये भी मेटल का ये, बट ये थोड़ी बॉडी में थोड़ा इन सबसे थोड़ा हल्का पड़ेगा। बट इसके अंदर जो मैं आपको बताऊँगा स्पेसिफिकेशन इन दोनों से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देख सकते हैं ये बीनटेक्स का ई रिक्शा चार्जर है जो कि आपको 20% से लेके 100% का इसमें एलईडी दिया गया है। और इसमें बैटरी कनेक्टर का भी एक एलईडी दिया गया है स्पेशल जो कि ब्लू कलर का है, और ये मेन एलईडी भी दिया गया है यहाँ पे। और आगे ये जो होल दिए गए हैं ये हवा को पास करने के लिए और इन करने के लिए दोनों हैं। आइए अब देख सकते हैं इसमें एक चीज़, ये जो आउटपुट है इसका सामने की तरफ दिया गया है, और इसके बैक साइड में देख सकते हैं ये एक जो कूलिंग फैन है ये एक साइड में दिया गया है
और इसमें एक चीज़ और दी गई आपको, इसमें फ्यूज दिया गया है ताकि कोई लोड पड़ता है ज़्यादा तो ये फ्यूज ही उड़े, आप इसको बदल सकते हैं। इसमें इनपुट पीछे दिया गया है और इसकी भी आपको वारंटी 1 साल की मिल जाती है दोस्तों। तो आप तीनों में से इनके अलग अलग फ़ायदे हैं। मैं बता दूं कि जो माइक्रोटेक का चार्जर है यह आपको 8 से 10 घंटे में आपको बैटरी को चार्ज करेगा। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये थोड़ा बैटरी को सेफ रखता है। और दूसरे नंबर पे ये आता है एक्जोम का। ये एक्जोम जो चार्जर है ई रिक्शा का, ये आपको थोड़ा फास्ट चार्ज करता है, ये आपको 7 से 8 घंटे में आपको फुल कर देगा ई रिक्शा के बैटरी को दोस्तों। और यह जो है आपका, इन दोनों का एवरेज है ये दो, ये जो आपका है ये भी 7 से 8 घंटा लगाता है चार्जिंग करने में। लेकिन आपको इसमें खास बात है कि यह इन ये जो दोनों ई रिक्शा के चार्जर हैं माइक्रोटेक और ये एक्जोम, इन दोनों में कटआउट हो जाता है। जैसे कि आपकी जो बैटरी है फुल होने पे ये कटआउट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर आपको इसको लगाएंगे तो फिर आपको ये मतलब फिर ये चार्ज नहीं करेगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन इस वाले में आपको जो हमारा ये बेंटेक्स का चार्जर है, यह आपको अगर आप चार्ज लगाते हैं वो बैटरी फुल हो जाएगी, उसके बाद भी इसमें करंट आता है दोस्तों। ये ऐसी खास बात है, क्यों? क्योंकि आप जैसे कि कभी आपका ई रिक्शा जब बैटरी डाउन हो जाता है, जो उसकी ग्रेविटी गिर जाती है, तो लोग उसे जाके दुकानों पे उसको हीट कराया जाता है, उसमें पैसे लगते हैं आपके, 250 रुपये आप देते हैं, उसको हीट कराया जाता है, आपका नुकसान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपका दो तीन दिन आपके लग जाते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन यह आपको चार्जर लेने में एक ये फ़ायदा है कि अगर जो आप इसको आपको ई रिक्शा को हीट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बैटरी जो है हीट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं लिखा गया है बैटरी को 15 दिन में एक बार 14 से 15 घंटे आप लगाएंगे ताकि आपको ग्रेविटी बनी रहे। सिर्फ 14 से 15 घंटे आपको लगाना है, सिर्फ मतलब 15 दिन पे आप इसको 14 से 15 घंटे तक आप इसको लगा सकते हैं ताकि बैटरी को हीट कर दे और आपको उसकी ग्रेविटी बनी रहे। तो इस वजह से आपको ये चार्जर बेस्ट रहेगा इन दोनों से, इसमें एक फ़ायदा है। और मैं इसकी प्राइस ही बताऊंगा आपको तीनों की, कौन सा आपको लेना चाहिए तो है, आप अपने हिसाब से ले लेना जो आपको फ़ायदेमंद है। और इसकी भी 1 साल गारंटी, तीनों की आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। और इस जो बैटरी चार्जर है थोड़ा ये इसमें हैंडल के लिए भी ये बढ़िया, देख सकते हैं आप उसको एक हाथ से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन इनको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, दो लोग दो हाथ आपको देख सकते हैं लगाने ही पड़ रहा है मेरे को, एक में पकड़ेंगे पर ऐसा पकड़ना पड़ेगा आपको। इसको भी थोड़ा ज़्यादा ये भी है, इसको भी आप दो हाथों से इस्तेमाल करके उठाना पड़ेगा। लेकिन ये है तो हम देख सकते हैं आप, मैंने इसको पकड़ा ऐसे उठा लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन सा इसमें सस्ता पड़ेगा, कौन सी इसकी प्राइस बेटर रहेगी। तो दोस्तों इसकी प्राइस जो बताऊंगा माइक्रोटेक ई रिक्शा चार्जर की जो प्राइस रहेगी आपको माइक्रोटेक की, यह आपको 4,000 से 4,500 के बीच में आपको मिल जाता है। और जो एक्जोम का ई रिक्शा चार्जर है यह आपको ये 4,000 से लेके 5,000 के बीच में यह भी मिल जाता है आपको। लेकिन ये बेंटेक्स का जो ई रिक्शा चार्जर है यह आपको 3,000 से लेके 4,000 के बीच में मिलता है दोस्तों। तो काफ़ी बेटर है, आप इन दोनों के एक और ऑप्शन आ गया तीसरा दोस्तों, तो आप इसको ले सकते हैं और आपको ये बैटरी को हीट कराने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप इसको घर पे ही लगा के आप बैटरी को हीट कर सकते हैं और इसमें लगातार कंटिन्यू जो डीसी का जो लाइन है यानी करंट है आता रहता है, इसमें कटआउट नहीं होता है। जिन लोगों को ई रिक्शा के बैटरियों को हीट करवाना जाने में
काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, 2-3 दिन नुकसान होता है उनको, और पैसे भी देने पड़ते हैं दुकानदार को, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट है ये, और हमको तो हिट कराना ही पड़ता दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3,000 से 4,000 के बीच में आपको इसकी जो प्राइस है मिल जाएगी, आप किसी भी कहीं भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। और यह जो है, जो ये ब्रांड है, थोड़े बड़े बड़े ब्रांड है, बट ये छोटा ब्रांड है, लेकिन ये इनको मात देता है इन मामले में। जो इसमें फ़ीचर है वह इन दोनों में फ़ीचर नहीं है। तो दोस्तों यह था हमारा ई रिक्शा चार्जर जो कि हमने आपको दिखाया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारे माइंड ये सुनिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम रोज़ाना ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।